तो यार हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। आज आपने टाइटल देख के देख लिया होगा कि भाई आज मैं कुछ अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में नया ऐड करने वाला हूँ। तो यार अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को शेयर भी करना, और हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 500 पे करवा दो, ठीक है। 500 एक हमारा छोटा सा टारगेट है, उसके बाद आगे जाएंगे। सो लेट्स सी कि आप लोग कितना पहुँचते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि ये जो मैंने लिया है मीडिया मॉड, ये जो GoPro का, वो मैंने क्यों लिया हुआ है। अब तो थिंग वॉज के पहले मेरा जो हो रहा था कि जो मेरे जितने भी मेरे बाइक की रिकॉर्डिंग्स होती थी, ठीक है, बाय द वे दिस इज द वन प्लस आई वुड से फीचर, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, पर अभी एक्चुअली मेरी स्क्रीन क्रैक्ड है तो मैंने ठीक नहीं करा, इनकेस एनीवन इज सेइंग कि भाई ये फ्री में हो जाता है, मेरी स्क्रीन क्रैक्ड है तो अभी नहीं हो रहा, बट ठीक है। मेरा जो भी ये रिकॉर्डिंग होता था वो फ़ोन में होता था। अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई लंबी राइड्स में मेरे को सिंक करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज के बेटर गेट समथिंग दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू अस। मैंने फाइनली जाके एक मीडिया मॉड ले लिया। एज यू कैन सी मैंने बॉक्स ओपन कर दिया था क्योंकि बॉक्स थोड़ा डिफिकल्ट था ओपन करना। आई ऑर्डर दिस फ्रॉम पुणे, वहाँ पे GoPro का स्टोर है, डिजिटल फैंटेसी नाम है उसका। अगर आप लोग को वहाँ से भी लेना हो तो आप ले सकते। आई वुड से नॉट जस्ट GoPro स्टफ, बट बहुत सारी चीज़ें अलग भी उनके पास अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोफोन्स एंड ऑल दैट, वो भी आप ले सकते हो जो आपको बेनिफिशियल हो सकती है। मैं जो उनकी लोकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर आपको उस चीज़ में काम पड़ने वाला हो तो। मुझे उनकी सर्विस सही में अच्छी लगी तो मैं फ्रेंकली बोलूंगा कि और हाँ, दिस इज नॉट एनी स्पॉन्सर, मैं सच्ची में जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि उनकी सर्विस सही में अच्छी है। तो अब भाई अपने ये GoPro के अंदर से सारी चीजें निकालेंगे, इसके अंदर से क्या निकलता है देखते पहले। तो भाई फिलहाल के लिए ये तो निकल गया वैसे मेरे हाथ से, बट ये एक बोल्ट जैसा निकला है जो हमारे इस माउंट में लगता है। ये जो है ये एक माउंट है, ठीक है, ये माउंट के इसके अंदर लगता है। जब आप लोग जिसने यूज किया हुआ है GoPro उनको पता होगा इसके अंदर ऐसे फिट होता है वो, और फिर ये तुम्हारे हेलमेट या फिर कहीं भी तुमको फिट करना हो, दैट इज अप टू यू, नॉट जस्ट हेलमेट। कमिंग टू द मेन थिंग, द मीडिया मोड, दिस इज द पार्ट यू नो विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस आउट नाउ, देयर इज नथिंग मोर इन दिस। मैं फिर भी बॉक्स में देख लेता हूँ और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव मिल रहा हो तो। सो वी जस्ट हैव अ वारंटी थिंग एंड एक यूजर मैनुअल है, सो नथिंग मच ऑन दिस। ये आपका मीडिया मोड है, दिस इज हाउ इट लुक्स, देख लो एक बार। और ये जो है ये आपका एक माइक का आई वुड से कवर होता है, ठीक है, जो विंड को थोड़ा कम करने के लिए एंड ऑल दैट। और हाँ, बाय द वे मीडिया मोड का एक फ़ायदा आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपकी GoPro की रॉ ऑडियो होती है वो 3 times एनहांस हो जाती है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग जो मेरे को पसंद आया इस मीडिया मोड के बारे में। उसका टेस्टिंग भी करेगी, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू से दिस एंड गो, मैं इसका टेस्ट भी करूँगा एंड में, तो आप लगे रहिए ब्लॉग पे, मैं इसका टेस्ट करूँगा GoPro के रॉ ऑडियो से वर्सेस दिस मीडिया मोड के, दोनों में क्या डिफरेंस आता है। इसकी फिटिंग की बात करते हैं, इसका फिटिंग में आपको बता देता हूँ एक बार। इसका जो फिटिंग है ये आपका केस पूरा लॉक होता है, राइट। सो बेसिकली जो आपका GoPro का ये बैटरी डोर होता है, दिस इज द बैटरी डोर, ओके, ये जो पार्ट है ये आपका खुला जो बैटरी डोर है वो आपको निकालना होता है। अब ये निकलेगा कैसे, निकलना बहुत सिंपल है। आप बहुत लोगों का लगेगा भाई ये टूटेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं, ये वापस फिट भी हो जाता है, वापस लग भी जाता है, तो डोंट वरी अबाउट डैट। आपको निकालना है तो बस बेसिकली इसको जैसे खींच लिया स्ट्रेट पैरेलल या आपको जो भी रखना हो, और इसको खाली आपको हल्का सा ट्विच देना है, इट्स लाइक दिस एंड इट्स रिमोट, हल्का सा ऐसे रोटेट करना आपको, दिस इज लाइक दैट, आपको ऐसे रोटेट कर देना, ठीक है। और आपको वापस फिट करके बता देता, आपको लग रहा हो कि भाई ये वापस फिट नहीं होगा, तो ये हो गया आपका वापस फिट, ये देख लो। सो दैट इज़ अ थिंग, ये वापस निकल भी गया। अभी ये आपका बैटरी तो निकल गया, ठीक है, मैंने बैटरी नहीं लगाई है, आई नो दैट। सो अब आया अपना मीडिया मोड। नाउ व्हाट मीडिया मोड डज इज कि आपको ये जो सी टाइप दिख रहा है, कोई दिख रहा होगा इसमें, हाँ ये सी टाइप दिख रहा है आपको, ये जो है इसके अंदर भी एक सी टाइप है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये दिख रहा है सी टाइप अंदर की तरफ, वो आपके इस सी टाइप में ज्वाइन हो जाता है और फिर ये आपके GoPro से कनेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली अब इसको कनेक्ट करने के लिए इसको ओपन करना होगा, ये केस है पूरा, इसको इसका भी डोर है, जो मैंने डोर है ये ओपन करना है आपने। सो फर्स्ट वी ओपन दिस डोर, ये डोर ओपन हो गया आपका, दिस इज योर GoPro मीडिया मोड डोर, ओके। तो आपको इस GoPro को अब इसके अंदर फिट कर देना है। सो ये जस्ट गोइंग टू स्लाइड इन, इनकी मेजरमेंट्स परफेक्ट है क्योंकि GoPro का है,
सो जस्ट नो दैट, ठीक है। नाउ योर मीडियम मॉड इज डन। हाँ, ये होगा थोड़ा, देखिए एक और बबल्स, इसमें थोड़े और बबल्स आने लगे इसके अंदर अपने स्क्रीन गार्ड में। जो मैंने 3 स्क्रीन गार्ड लगाए जो मैंने वहीं से मंगवाए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आप मीडियम मोड लगाओगे तो आपको थोड़े और बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज गोप्रो का जो मीडियम मोड है वो परफेक्ट फिट टू फिट एमएम एक एक उन्होंने मेजर किया हुआ है। सो बेसिकली योर स्क्रीन गार्ड गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। अभी हम लोग इसके ऊपर ये फिट करेंगे, ये जो माइक का इसका कवर है, हम लोग इसको, ये आपका माइक है, ये आपका मीडियम मोड का माइक है, इसके ऊपर आपको लगाना है। ओके, लग गया आफ्टर सम ट्रायल्स एंड एरर्स। सो फाइनली इट्स फिटेड दिस माइक, ये आपका हो गया परफेक्ट फिटिंग, ठीक है। अभी इसका हम लोग एक टेस्ट करेंगे, मैं इसको वापस निकालूंगा अभी, और मैं इसके लिए टेस्ट करूंगा कि इसकी रॉ ऑडियो एंड इसका जो गोप्रो के मीडिया मोड के साथ ऑडियो, इन दोनों में डिफरेंस क्या आप लोग को, ताकि आप देख सको। और हाँ, मैं आपको इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करूंगा। सो लेट्स सी, मैं आपको इसको पहले हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है इसका, ठीक। तो हेलो गाइस, देखो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो गोप्रो की रॉ ऑडियो है। मैं आपको एक बार प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा मीडिया मोड तो इधर ही पड़ा है। सो ये गोप्रो से रिकॉर्ड हो रहा है अभी, ये गोप्रो की रॉ ऑडियो है, ये अभी कुछ ऐसी साउंड हो रही है। अभी हम लोग देखते हैं कि मीडिया मोड के अंदर ये चीज़ कितनी इम्प्रूव हुई है, जो 3 टाइम्स बोला था कि वो सच में होती है कि नहीं। तो यार अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो है अपने मीडिया मोड के ऊपर। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि अभी इसके अंदर देखते हो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है, मुझे खुद को नहीं पता, मैं आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। सो मैं खुद देखूंगा एडिटिंग के टाइम के कैसा साउंड हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है वो डिफरेंस, तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको रॉ ऑडियो में और इसमें क्या डिफरेंस लगा। सी, जो बोला था विंड नॉइस काफ़ी कम होगी, 3 टाइम्स बेटर होगा। सो लेट्स सी कितना चेंज आता है इसके अंदर। ये जो टेस्ट है ये गोप्रो का रॉ माइक टेस्ट है और इसके अंदर मैंने फैन ऑन कर दिया है। इसमें हमको देखते हैं कि इसमें क्वालिटी कितनी कैप्चर होती है। हालांकि विंड का मुझे तो पहले के व्लॉग से आइडिया है कि इसमें इतना अच्छा वो रिडक्शन नहीं होता, बट देखते हैं कि इसका और मीडिया मोड का क्या डिफरेंस आता है। और ये जो है इसमें मीडिया मोड का टेस्ट है विद द फैन ओनली, तो इसमें देखना है कि ये जो बेटर करता है क्वालिटी के नहीं करता है, और रॉ ऑडियो से करता भी है तो कितनी ज़्यादा करता है। तो लेट्स सी अबाउट दैट के कितना इसका डिफरेंस आता है रॉ ऑडियो से और इस मीडियम मोड। तो यार देखो, मैंने तो ऑडियो सुनी जस्ट नाउ, इससे मैंने प्ले भी किया अपना ऑडियो, और मुझे अच्छा लगा उस चीज़ के बारे में कि भाई ऑडियो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। आप लोग ने देखा ही होगा इसके अंदर, मुझे ऐसा फील हो गया। बाकी आप लोग का अलग ओपिनियन हो सकता है। इसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बता देता हूँ, जो मोटो लॉगिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा काम आएगा इसमें, कि आप माइक अडेप्टर ले सकते हो, बट उसके साथ आपको एक केस लेना होता है, उसका मैं कंपनी का नाम भूल गया, उसका आपको केस लेना पड़ेगा। और वो दो चीज़ आपको मिला के आपके आगे हेलमेट के आगे लगेगी, और उसके नीचे आपका माइक अडेप्टर लगता है। इसमें बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इसमें खाली आपका इतना सा कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है, जो मेरे को पसंद है इसके बारे में। कॉम्पैक्ट डिजाइन आपको एक्चुअली एक फील देता है, इंस्टेड ऑफ दैट बल्की केस एंड ऑल दैट, वो आई वुड से कि ये मच बेटर है। एंड इसमें आपको बताता हूँ मैं, आपको यहाँ पे दिखेगा उनसे, तो यार आप इसमें अभी देखना, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपका माइक है बाहर का, ओके। फर्स्ट केस में आपका फर्स्ट, यहाँ पे आपको 3 स्लॉट्स दिए हुए, तो फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपको HDMI का वो मिल जाता है। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है इसमें, बट HDMI जो छोटे से केबल हो गए वो लगते हो गए। फिर आपका आता है ये सी टाइप, ये आपका सी टाइप का पोर्ट है। ये सी टाइप पोर्ट बेसिकली आपको काम आएगा, आपको चार्जिंग करना हो, ऐसा कुछ काम हो, फायर ट्रांसफ़र करनी हो, तो ये आपको इसमें काम आ जाएगा। और जो थर्ड स्लॉट आता है वो आता है आपका ईयरफोन जैक का 3.5। फोकस नहीं कर रहा, फोकस कर ले भाई, आपको दिख रहा हो तो अच्छा है। ये देखिए, ये आपका ईयरफोन जैक का वो जो आपका माइक्रोफोन होगा, जैसे ये वाला है मैंने जो लगाया हुआ है, वो माइक्रोफोन का जो पॉइंट होगा वो आपका लगेगा। सारे माइक्रोफोन नहीं चलेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक माइक्रोफोन होते हैं वही चलते हैं, या तो कुछ एक्सटेंशन लगाना होता है उसके ऊपर। सो दिस वॉज बेसिकली मीडिया मोड। अब इसका एक फायदा आपको मैं बताता हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है, दैट ग्रीन लाइन इज ऑल अबाउट कि आपकी वॉइस कितनी आ रही है। और देखिए, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी इसके अंदर, एंड स्टिल इट टेल्स मी कि वो जो बार है वो बढ़ रहा है, मीन्स डेट द वॉइस इज बींग रिकॉर्डेड एट दिस स्पेस, ठीक है। तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि आप अगर व्लॉग कर रहे हो उससे पहले आपको लग रहा है कि भाई आपको एक चेक कर लेना ऑडियो, तो दिस इज हाउ यू कैन चेक। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इसके बारे में। दूसरी चीज़ कि ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेटर हुई है, ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है, बहुत बहुत इम्प्रूव हो गई है। एंड इसके अंदर जो आपको ये ईयरफोन जैक सी टाइप एंड ऑल दिस थिंग्स यू गेट, वो बहुत ही अच्छी मेरे को लगी कि भाई आपको
काफी चीजें एक ही एक केस में मिल गई है इसके अंदर, राइट। सो एक चीज मुझे वो अच्छी लगी। हाँ, एक इसका डिसएडवांटेज मैं बोलता हूँ, जो आपको केस जो आप लोगे अगर माइक अडेप्टर आप लेते हो, उस माइक अडेप्टर के अंदर जो साथ में केस आता है, दैट आई विल ट्राई टू टेल यू इट विद फोटोज में आपको मैं बता दूंगा अगर आपसे पॉसिबल हुआ तो, के भाई जो केस होता है वो डायरेक्टली आपका बैटरी डोर होता है ना, उसके बाजू में लगता है। सो व्हाट हैपेंस इज के अभी इसमें मेरा बैटरी का डोर जो है यहाँ पे खोल के बंद हो गया, ये जो माइक का साइड है। नाउ आई कैन नॉट ओपन दिस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओपनेबल। मुझे अगर बैटरी बदलनी है तो आई हैव टू ओपन द एंटायर केस, टेक आउट द गोप्रो एंड देन चेंज द बैटरी अगेन एंड पुट इट बैक इन। द थिंग विद माइक अडैप्टर इज क्या, वो केस का जो डोर होता है ना, वो डायरेक्टली उसके यहीं से खुल जाता है, तो आप बेसिकली यू कैन जस्ट ओपन इट। नाउ व्हाट आई हैव हर्ड, इट कुड बी अ रूमर, ठीक है, अगर आपने माइक अडैप्टर यूज किया है विद दैट केस तो आप बता सकते हो कि जो आपका माइक अडैप्टर का जो केस होगा वो केस के अंदर वाटर प्रूफिंग नहीं होती। तो बेसिकली ऐसा बोल रहे बहुत लोग के जो सी टाइप पोर्ट होता है उनका, वो सी टाइप पोर्ट के अंदर गैप रह जाती है, तो जब बारिश होती है तो उसमें प्रॉब्लम आता है। इनफैक्ट इसका मुझे पता नहीं कितना वाटरप्रूफिंग है, बट आई वुड से कि कॉम्पैक्ट है काफी, इतना मेरे को कोई जगह दिख भी नहीं रही पानी जाने की इसमें तो। और हाँ, आप यहाँ पे भी एक माइक लगा सकते हो, देखिए ये जो स्टैंड है इसमें आप अपना माइक यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे फिट कर सकते हो। एक्सटर्नल माइक जो बहुत ऐसे यूज करते हैं वीडियोग्राफर्स, आपने देखे होंगे बड़े बड़े माइक यहाँ लगा देते हैं। इससे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो आपका माइक होगा वो यहाँ लगेगा एक बार, तो वो माइक आपका वही काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, अनलेस यू रिमूव दैट माइक। अगर आप बाय करते हो तो इट्स अ वर्थ बाय, ठीक है। मैं आपको सच्ची बोलूं, अगर आप एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो अपने वीडियोस के ऑडियो का, आई वुड से कि मीडिया मोड इज करंटली द गो टू। ओके, अगर आप गोप्रो यूज कर रहे हो तो, बाकी आप माइक अडैप्टर ले सकते हो, ऐसा नहीं बोलो माइक अडैप्टर इज बैड, यू नो, बल्कि मुझे ज्यादा नहीं पसंद। आई वुड लाइक अ मोर कॉम्पैक्ट सेटअप ऑफ माइंड इन मोटो व्लॉगिंग। लगा आप लोग कमेंट्स में बताओ अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है आपको है, जो मैं भूल गया हूँ। और बाकी आप लोग को कुछ जानना हो तो बता दो। इसमें मैं स्टोर का जो नाम है थैंक्स टू डिजिटल फैंटेसी फ्रॉम पुणे, जो उन्होंने मेरे को ये फटाफट प्रोवाइड भी करवाया था ताकि मैं वीडियो बना सकूँ, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू अनिल भाई जिनसे मेरी बात हुई है, वो वहाँ के स्टोर के। एट दी एंड में आप लोगों को बोलूँगा, अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना अगर चैनल पर नए हो तो। और कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को क्या प्रीफर करोगे, मीडिया मोड या फिर माइक अडैप्टर। This was the vlog and I will see you guys in the next vlog. ठीक है, तब तक के लिए take care and have a good day.